हाय दोस्तों, सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट का एक लिंक कैसे बना सकते हो। अगर आपका डॉक्यूमेंट आप सेव करना चाहते हैं, ऐसी जगह पर सेव करना चाहते हैं कि आपका मोबाइल अगर गुम भी हो जाता है, आपका मोबाइल चोरी भी हो जाता है, तो आपका डेटा उसमें सेव होना चाहिए। और आपको जब भी चाहिए आप डेटा निकाल सकते हो, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। तो मैं आपको बता देता हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन होता है जिसका नाम होता है गूगल ड्राइव। यहाँ पर जाइए, ये आ गया ड्राइव, ये जो नज़र आ आपको ड्राइव, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब ये गूगल ड्राइव इसका नाम है। इसमें क्या करना है आपको कि जो भी आप ऐप्स है आपके पास, जो भी ऐप्स है, फ़ोटो है, किसी भी तरह का, तो वो आपको इसमें डाल देना है। ठीक है, इसमें डाल देना है, मतलब इसमें कैसे डालना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये जो आपको नीचे राइट साइड में प्लस का निशान दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। उस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर फोल्डर, अपलोड, स्कैन, ये आ जाएगा, सभी आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, अपलोड पे क्लिक करना है या फोल्डर पे क्लिक करना है। अपलोड पे क्लिक कीजिए, आपके मोबाइल में जो भी है अवेलेबल वो सारा यहाँ पर ओपन हो जाएगा। सपोज़ अब ये एक इमेज है, सपोज़ ये एक इमेज है, सबसे फर्स्ट वाला 2 MB का, ये मैं उसमें सेव कर देता हूँ। ये भी प्रिपेयर हो रहा है, इसके अंदर ये सेव हो जाएगा। अभी सेव नहीं हुआ है, अभी सेव हो जाएगा। एक वीडियो है, देखिए यहाँ पर अभी सेव हो रहा है। ठीक है, ये अब सेव हो गया। मेरे इसमें कुछ एप्लीकेशन पहले सेव किया है मैंने, देखिए मैं उसका दिखा दूँ। यहाँ पर क्लिक करना है, जैसे ही आपके मोबाइल में आपका एप्लीकेशन सेव हो जाएगा, इसी तरह से, जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पर बताया है, इसी तरह से आपको ऐसा फोल्डर में जाइए, फोल्डर का जो भी नाम देना, नाम दे दीजिए, ओके कर दीजिए। ठीक है, ओके करने के बाद आपका फोल्डर का नाम बन जाएगा। ये फोल्डर का नाम बन गया है, ये भी बिल्कुल खाली है। तो यहाँ पर क्या करना है, इस तरह से फोल्डर के नाम भी बना सकते हैं आप। और कोई एप्लीकेशन अगर आपको इसमें सेव करना है तो यहाँ से भी सेव कर सकते हैं, या सिंपल आपको डायरेक्ट मोबाइल में जाकर भी सेव कर सकते हैं। कैसे सेव करना है वो दिखा देता हूँ आपको। मोबाइल से जाकर आपका एप्लीकेशन जहाँ पर है वहाँ पर जाना है। ये मेरा एप्लीकेशन यहाँ पर है, सपोज़ ये बहुत सारे एप्लीकेशन है। अभी ये शाकिर गेम मैंने बनाया है, ये गेम मैंने बनाया है। ठीक है, ये देखिए, ये इसे कैंसिल कर देता हूँ। इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर सेव का सेंड का सेव का सिंबल आ जाएगा। तो यहाँ पर जाने के बाद माय ड्राइव भी आ जाएगा, यहाँ पर मेरा माय ड्राइव आ गया। सेव टू ड्राइव भी कर सकते हैं आप, तो माय ड्राइव कर देता हूँ मैं, सेव टू ड्राइव करता हूँ। ठीक है, सेव टू ड्राइव मैंने यहाँ पर कर दिया है। ये देखिए, इस तरह का यहाँ पर आप नाम भी आ जाएगा एप्लीकेशन का, सभी डिटेल आ जाएगा। आप नाम चेंज भी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट का, और यहाँ पर जाके सेव कर दीजिए। अब ये हो गया सेव, देखिए। ठीक है, अब डायरेक्ट जाते हैं हम उसमें ड्राइव में। ये देखिए, यहाँ पर ये है एप्लीकेशन, शाकिर नाम का एप्लीकेशन, ये डाउनलोड हो जाएगा। कैंसिल कर देता हूँ। इसमें आने के बाद आपको तीन यहाँ पर ये दिख रहे सिंबल, इस पर क्लिक करना है, उसके बिल्कुल साइड में क्लिक करना है। जो भी आपका गेम आपको उसका लिंक बनाना है, उसके राइट साइड में क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऐड पीपल लिंक, शेयरिंग, कॉपी लिंक, यहाँ से आपको लिंक कॉपी कर लेना है। ठीक है, अभी ये देख, कॉपीड लिंक। अब यहाँ से आप सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पे किसी को भी। ये देखिए, मैं मेरे एक फ्रेंड को सेंड कर देता हूँ। 1 मिनट दोस्तों, व्हाट्सएप ओपन में थोड़ा टाइम लगेगा, और बहुत टाइम से बंद है मेरा व्हाट्सएप, तो बहुत ज़्यादा SMS आएंगे, तो मैं सेंड करना मुश्किल हो जाएगा आई थिंक। यहाँ पर मैं सेंड कर देता हूँ। ठीक है, ये वांटेड ग्रुप में मैं सेंड कर देता हूँ। लिंक मैंने कॉपी किया और सेंड कर दिया। ठीक है, ये मैंने शेयर कर दिया, शेयर तो कर दिया मैंने। इसके ऊपर जो भी क्लिक करेगा तो डायरेक्ट गूगल ड्राइव से वो ओपन कर सकते। देखिए, ओपनिंग गूगल ड्राइव, देखिए इस तरह से यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। और आप भी आपका एप्लीकेशन का, फ़ोटो का, किसी भी तरह का आप लिंक बनाकर दूसरों को सेंड कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो समझ आएगा तो लाइक कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, बाय दोस्तों।